ऐश्वर्या अभिषेक की शादी से एक दिन पहले हुआ था हंगामा। जाने किसने अमिताभ के घर के सामने ही काट ली थी हाथ की नस। अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन बॉलीवुड के पावर कपल कहे जाते हैं। दोनों की शादी को 17 साल का लंबा वक्त हो चला है। कपल की शादी खूब चर्चा में रही थी, जब बॉलीवुड की कई हस्तियों ने शिरकत की थी, लेकिन उनकी शादी से एक रात पहले बच्चन परिवार के घर के बाहर जमकर हंगामा हुआ था। बता दें कि 20 अप्रैल को अभिषेक और ऐश्वर्या ने शादी रचाई थी, पर ठीक एक दिन पहले यानी कि 19 अप्रैल को अमिताभ बच्चन के घर प्रतीक्षा के सामने जानवी नाम की एक मॉडल ने खूब बवाल मचाया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक उस लड़की ने दावा किया था कि अभिषेक ने उससे शादी की है और वो उनकी पत्नी है। शादी से एक दिन पहले इस तरह की बातें सुनकर सभी हैरान रह गए थे। वही बच्चन फैमिली में भी हलचल मच गई थी। किसी को नहीं पता था आखिर ये लड़की क्यों खुद को अभिषेक की पत्नी बता रही है। बता दें कि जानवी ने अभिषेक के साथ उनकी फिल्म 10 में काम किया था। उनका कहना था कि कुछ दोस्तों के सामने अभिषेक ने उनसे शादी भी रचाई थी। जब उनसे सबूत मांगा गया तो उसने जवाब में कहा कि प्यार को किसी सबूत की जरूरत नहीं होती है। इतना ही नहीं, उस लड़की ने अभिषेक के लिए अपनी कलाई भी काट ली थी, जिस वजह से उसे फौरन अस्पताल में ले जाया गया था। वही सुसाइड करने के जुर्म में जानवी को पुलिस ने अरेस्ट भी कर लिया था। ऐश्वर्या और अभिषेक ने एक दूसरे को कुछ सालों तक डेट करने के बाद साल 2007 में बड़े धूमधाम से मुंबई में शादी रचाई थी। इस शादी से कपल की एक प्यारी से बेटी आराध्या है। कपल खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन कई दफा ऐश्वर्या और अभिषेक को लेकर तलाक की अफवाह फैली है। ऐश्वर्या राय और बच्चन परिवार के बीच अनबन को लेकर खबरें आ चुकी हैं, लेकिन इन सभी अफवाहों को हर बार ऐश्वर्या ने गलत साबित किया है। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए वाहिया टॉक को भी सब्सक्राइब करें।